हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है सिद्ध अकेडमी पर। दोस्तों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पुनः एक बार बीएससी थर्ड ईयर, जिसमें हमारा बुक चल रहा है ऑब्स्टेकल अलजेब्रा यूनिट नंबर थर्ड चैप्टर। दोस्तों आज नया स्टार्ट कर रहे हैं एट्थ वाला चैप्टर एट्थ। इससे पहले हमने सेवन्थ किया था दोस्तों। चैप्टर एट का नाम है सब ग्रुप एंड फील्ड ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, क्या है? सब रिंग्स एंड फील्ड ऑफ क्वेश्चंस। दोस्तों यहाँ पे हमने जो लास्ट जो चैप्टर किया था हमारे पास रिंग वाला, रिंग इंटीग्रल डोमेन और फील्ड्स, उसका ये सब है दोस्तों। यहाँ पे क्या सब रिंग दैट, जैसे हमने यहाँ पे ग्रुप सब ग्रुप पढ़ा था, वैसे के वैसे सारे के सारे कंसेप्ट वो के वो वाले लगने वाले। जैसे ग्रुप में ग्रुप वाले जो रूल्स या जो डेफिनेशन थ्योरम्स वगैरह थी वो कि वो सब ग्रुप में लगी थी, वैसे के वैसे जो रिंग्स इंटीग्रल डोमेन और फील्ड वाली जितनी भी जो डेफिनेशंस है थ्योरम्स है एंड वो सारे के सारे दोस्तों कॉपी है यहाँ पे इसमें। ठीक है, थोड़ा सा अंतर है, ज़्यादा कुछ नहीं है। दैट यहाँ पे हम इसके डेफिनेशंस, इसके एग्जांपल्स, इसके थ्योरम्स जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों आज इसको हम करेंगे। दैट यहाँ पे सबसे पहले हैं हमारे पास कि सब रिंग, हेडिंग है सब रिंग। क्या होता है? डेफिनेशन ए नॉन एम्प्टी सबसेट, ए नॉन एम्प्टी सबसेट एस ऑफ ए रिंग, और रिंग दे रही है आर प्लस और मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन। दैट यहाँ पे रिंग भी ऐसी थी दोस्तों। ठीक है, इज ए सब रिंग ऑफ आर इफ एस इट्सेल्फ फॉर्म्स ए रिंग, एस इट्सेल्फ फॉर्म्स ए रिंग। दैट यहाँ पे जो एस जो सबसेट ऑफ एस दे रखा दोस्तों, ए नॉन एम्प्टी सबसेट एस दे रखा, वो खुद भी खुद क्या बन जाए दोस्तों, रिंग बन जाए, वो खुद एक रिंग बन जाए। दैट यहाँ पे वो क्या हो जाएगा दोस्तों, सब रिंग हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ए नॉन एम्प्टी सबसेट एस ऑफ ए रिंग आर प्लस मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन इज ए सब रिंग ऑफ ए ऑफ आर इफ एस इट्सेल्फ फॉर्म्स ए रिंग। नेक्स्ट हमारे पास है दोस्तों इम्प्रॉपर और ट्राइवल सब रिंग। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इसकी डेफिनेशन देखो यहाँ पे कि एवरी रिंग हैज एटलीस्ट टू फॉलोइंग सब रिंग, यानी कि जो प्रत्येक जो रिंग दे रखा है दोस्तों, एवरी रिंग हैज एटलीस्ट, यानी कम से कम दो सब रिंग रखे, एक तो आर खुद और एक जीरो, तो वो क्या कहलाता है दोस्तों, इम्प्रॉपर सब रिंग, या फिर मैं कह सकता हूँ ट्राइवल सब रिंग कहलाता है। फिर बाद में यहाँ पे नेक्स्ट डेफिनेशन है दोस्तों प्रॉपर सब रिंग की, और प्रॉपर सब रिंग कहता है हमें कि ए सब रिंग विच इज नॉट ए इम्प्रॉपर सब रिंग इज कॉल्ड ए प्रॉपर सब रिंग। जो दोस्तों यहाँ पे जो दोस्तों सब इम्प्रॉपर नहीं हो, जो ट्रेवल सब रिंग नहीं हो, वो क्या कहलाता है? प्रॉपर सब रिंग कहलाता है। प्रॉपर सब रिंग कहलाता है कैसे कि यहाँ पे ए सब रिंग विच इज नॉट ए सब रिंग विच इज नॉट इम्प्रॉपर सब रिंग, इम्प्रॉपर सब रिंग इज कॉल्ड प्रॉपर सब रिंग। और यहाँ पे बाय डेफिनेशन ऑफ द सब रिंग इट इज क्लियर दैट एस इफ एस प्लस मल्टीप्लीकेशन इज सब रिंग ऑफ ए रिंग रिंग दैट यहाँ पे ये दे रखिए, देन एस एस प्लस ऑपरेशन इज ए सब ग्रुप ऑफ द कम्यूटेटिव ग्रुप आर प्लस ऑपरेशन। दैट यहाँ पे हमें पता दोस्तों कि आर प्लस ऑपरेशन में यहाँ पे ये कम्यूटेटिव रोल का अनुपालन करता है। दैट यहाँ पे एस प्लस जो है दोस्तों, यहाँ पे एस जो सब रिंग एस प्लस ऑपरेशन में भी क्या होगा, कम्यूटेटिव रोल का अनुपालना होगी। दैट यहाँ पे इस प्रकार से ये दोस्तों इनकी डेफिनेशन थी। अब इनके मैं एग्जाम्पल की बात करूँगा तो देखो इसके एग्जाम्पल इस प्रकार से हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास इसके एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल किस प्रकार से देखो यहाँ पे कि द रिंग एम जेड प्लस और मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन, द रिंग एम जेड एम जेड एम इज एप्सिलॉन जेड इज ए सब रिंग ऑफ द रिंग जेड प्लस मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स विच इट्सेल्फ इज ए सब रिंग ऑफ द रिंग आर प्लस मल्टीप्लीकेशन ऑफ रियल नंबर। दोस्तों हमें यहाँ पे ये कह रहा है कि इस प्रकार से हमें एक सेट दे रखा है एम जेड और एम जेड जेड प्लस और मल्टीप्लेक्स ऑपरेशन, और फिर बाद में हमें ये कह रहा है कि जेड प्लस और मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन, और आगे हमें और ये और भी बता रहा है कि आर प्लस और या मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन, इस प्रकार से हमें कह रहा है ये। ठीक है, हमें यहाँ पे ये कह रहा है दोस्तों कि द रिंग एम जेड एम इज एप्सिलॉन जेड इज ए सब रिंग ऑफ रिंग
जेड प्लस मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन एम जेड, और जेड का क्या है दोस्तों सबरिंग है, बिकॉज ऑफ यहाँ पे एम क्या है, एम कुछ भी हो सकता है दोस्तों, एम इज एप्सिलॉन जेड दैट यहाँ पे 1, 2, 3, 4 या इंटीजर्स नंबर दैट यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यानी कि जो दोस्तों यहाँ पे ये इसका जेड प्लस मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन का जो सबरिंग है वो एम जेड प्लस माइनस प्लस मल्टीप्लिकेशन है, और यहाँ पे जेड प्लस मल्टीप्लिकेशन सबरिंग है दोस्तों किसका है, आर प्लस मल्टीप्लिकेशन दैट यहाँ पे ये क्या दोस्तों आर, यहाँ पे ये दोस्तों रियल नंबर, तो हमें ये कह रहा है कि द रिंग एम जेड प्लस मल्टीप्लिकेशन एम इज एप्सिलॉन जेड इज सबरिंग ऑफ द रिंग और रिंग किस प्रकार से है, जेड प्लस मल्टीप्लिकेशन ऑफ द इंटीजर्स विच इटसेल्फ इज सबरिंग ऑफ द रिंग आर प्लस मल्टीप्लिकेशन ऑफ द रियल नंबर, यानी कि रियल नंबर का भी क्या दोस्तों ये सब रिंग है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हमें पता है दोस्तों कि हमें ये ध्यान रखना है कि जेड इज सबसेट ऑफ क्या होता है दोस्तों यहाँ पे रैशनल नंबर का होता है, ठीक है, और इज सबसेट ऑफ रियल नंबर एंड इज ऑल्सो सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इस प्रकार से हमारे पास रहता है दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि या फिर मैं इसको एक बार ऐसे लिख देता हूँ जेड प्लस मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, फिर बाद में Q प्लस मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन रियल नंबर प्लस मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन एंड यहाँ पे इस प्रकार से प्लस और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन दैट यहाँ पे हमें पता होना चाहिए दोस्तों कि Z इज सबसेट ऑफ Q, Q इज सबसेट ऑफ R, Q R इज सबसेट ऑफ R इज सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर दैट यहाँ पे Z जो सबसेट होगा दोस्तों यानी कि ये इसका सबसेट होगा, यानी Z इसका भी सबसेट होगा, इसका भी सबसेट होगा, या फिर मैं कह सकता हूँ सबरिंग होगा या फिर ये इसका भी सबरिंग होगा, ठीक है, यानी कि Q जो रैशनल नंबर है दोस्तों ये R का भी सबरिंग होगा और C का कॉम्प्लेक्स नंबर का भी सबरिंग होगा और रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर का सबरिंग होगा, ये यानी कि दूसरे छोटे जो नंबर होते हैं दोस्तों बड़े नंबर के क्या होते हैं सबरिंग होते हैं, इस प्रकार से हमें क्या रखना है इनको याद रखना है दैट यहाँ पे सेकंड जो एग्जांपल कह रहा है दोस्तों द रिंग जेड प्लस मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन ऑफ इंटीजर्स इज ए सबरिंग ऑफ द रिंग क्यूसेंट या फिर मैं कह सकता हूँ रैशनल नंबर यानी कि क्यू रैशनल नंबर यानी जेड प्लस मल्टीप्लिकेशन जो यहाँ पे हमें भी बताया दोस्तों कि रैशनल नंबर का क्या होता है सबरिंग होता है, ठीक है, ऑफ रैशनल नंबर विच इटसेल्फ ए सबरिंग ऑफ रियल नंबर, यानी ये भी क्या दोस्तों रियल नंबर का क्या होता है सबरिंग होता है, फिर बाद में नेक्स्ट यहाँ पे जो थर्ड एग्जांपल है दोस्तों द सेट ऑफ ऑल एन मल्टीप्लिकेशन n by n मैट्रिक्स और रैशनल नंबर जो किसके दोस्तों रैशनल नंबर की है रैशनल नंबर q इज सबरिंग ऑफ इज या फिर क्या कह रहा है इज सबरिंग ऑफ द रिंग ऑफ ऑल n by n मैट्रिक्स और रियल नंबर, ठीक है, इन रियल नंबर की यानी कि यहाँ पे दे रखा दोस्तों रैशनल नंबर और रियल नंबर का क्या है सबरिंग है, ठीक है, इस प्रकार से हमें ये एग्जांपल है दोस्तों, तो आई थिंक आपको इसमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अगर किसी भी प्रकार का डाउट है दोस्तों तो प्लीज़ इधर अकेडमी को शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके, अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो उसका जवाब 100% मिलेगा दोस्तों, दैट यहाँ पे मैं नेक्स्ट जो थ्योरम्स है दोस्तों इंपॉर्टेंट थ्योरम उसको मैं करने की कोशिश करूँगा, आई थिंक हमारे पास लास्ट थ्योरम 3.13 हो गई थी, आज हमारे पास 3.14 होगी दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे मैं यूनिट बाई थ्योरम करा रहा हूँ और यूनिट हमारे पास चल रहा है थर्ड यूनिट थर्ड और चैप्टर नंबर 8 नया स्टार्ट किया दोस्तों, तो इसके जो इंपॉर्टेंट थ्योरम उसको मैं करने की कोशिश करूँगा, तो इसका एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। नेक्स्ट थ्योरम है दोस्तों हमारे पास 3.14 और 3.14 इस प्रकार से है, ये इतना पूरा बड़ा एक थ्योरम ही है दोस्तों, ठीक है, दैट यहाँ पे मैं कह रहा हूँ द नेसेसरी एंड सफिशेंट कंडीशन फॉर नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ए रिंग आर इज सबरिंग ऑफ आर, ठीक है, क्या कह रहा है यहाँ पे हमें कि द नेसेसरी एंड सफिशेंट कंडीशन फॉर नॉन एम्प्टी सबसेट एस ऑफ आर इज सबरिंग ऑफ आर, फर्स्ट कंडीशन है फॉर एवरी ए इज एप्सिलॉन एस एंड बी इज एप्सिलॉन एस दैन ए माइनस बी इज ऑल्सो एप्सिलॉन एस होगा, सेकंड हमारे पास कंडीशन है दोस्तों फॉर एवरी ए इज एप्सिलॉन एस और बी इज एप्सिलॉन एस दैट ए डॉट बी इज ऑल्सो एप्सिलॉन एस, यानी कि हमें एक बार दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, एक बार तो हमें ये प्रूव करना है कि जो एस है वो आर का सबरिंग है और
गिवन में क्या रहेगा हमारे पास, फर्स्ट और सेकंड, ए ए इज एप्सिलॉन एस, बी इज एप्सिलॉन एस, दैट ए माइनस बी इज ऑल्सो एप्सिलॉन एस एंड और ए डॉट बी इज ऑल्सो एप्सिलॉन एस, इसको हमें गिवन में रखना है। ए एस इज सबनिंग ऑफ आर, ये हमें प्रूव करना है। सेकंड हमें यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, कि इन दोनों को तो प्रूव करना है, फर्स्ट और सेकंड को प्रूव करना है, और गिवन में हमें रहेगा दोस्तों कि एस इज सबनिंग ऑफ आर, ठीक है। दैट यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप इसको मैं पूरा का पूरा मैं बता रहा हूँ दोस्तों, तो आप सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। देखो द कंडीशन आर नेसेसरी, द कंडीशंस आर नेसेसरी, इसमें मैं ले रहा हूँ दोस्तों गिवन में एस प्लस मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन इज ए सब रिंग ऑफ रिंग आर प्लस मल्टीपल टू प्रूव फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी कि यहाँ पे दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि एस इज ए सब रिंग ऑफ रिंग आर, ठीक है। इसको हमें गिवन में लेना, फर्स्ट और सेकंड जो हमें दे रखा दोस्तों इसको क्या करना है, हमें प्रूव करना है। दैट यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों एस प्लस मल्टीप्लीकेशन इज सब रिंग, एंड यहाँ पे ये क्या हमें दे रखा है दोस्तों गिवन में इज ए सब रिंग और एस प्लस ऑपरेशन इज ए अबेलियन ग्रुप, हमें बताया था दोस्तों रिंग की जो रिंग की डेफिनेशन में भी हमने बताया था कि आर प्लस ऑपरेशन में दोस्तों वो क्या होता है अबेलियन, और आर डॉट ऑपरेशन में क्या होता है सेमी सेमी ग्रुप, या अबेलियन ग्रुप सेमी ग्रुप, ठीक है दोस्तों। दैट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि ए इज एप्सिलॉन एस एंड बी इज एप्सिलॉन एस, दैट ए इज एप्सिलॉन एस एंड माइनस बी इज ऑल्सो एप्सिलॉन एस होगा, बिकॉज ऑफ यहाँ पे दोस्तों क्या है ये सब रिंग है एंड अबेलियन ग्रुप है, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, बाय क्लोजर लो ए प्लस और ये माइनस बी इज एप्सिलॉन एस, दैट ए माइनस बी प्लस माइनस बी ए माइनस बी इज ऑल्सो एप्सिलॉन एस बाय क्लोजर लो, और यहाँ पे ये प्रूफ हो रहा है दोस्तों फर्स्ट ए माइनस बी इज एप्सिलॉन एस, ठीक है। फिर बाद में सेकंड यहाँ पे ऑल्सो ए मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन इज ए सेमी ग्रुप, ये क्या होता है दोस्तों सेमी ग्रुप, और सेमी ग्रुप के लिए मैंने दो नियम बताए थे दोस्तों यहाँ पे रिंग में, क्लोजर लो या एसोसिएटिव लॉ, मेनली एसोसिएटिव लॉ दोस्तों। यहाँ पे देखो फॉर एवरी ए इज एप्सिलॉन एस बी इज एप्सिलॉन एस दैट ए डॉट बी इज ऑल्सो एप्सिलॉन एस बाय क्लोजर लॉ, यहाँ पे डायरेक्ट मैंने इसको बता दिया। फिर बाद में हैंस द नेसेसरी कंडीशन, यहाँ पे ये जो फर्स्ट जो प्रूफ है दोस्तों फर्स्ट और सेकेंड इनको हमने प्रूफ कर लिया, अब यहाँ पे सेकेंड कंडीशन प्रूफ करना दोस्तों, द कंडीशन आर सफिशियंट, और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ फर्स्ट एंड सेकंड गिवन में टू प्रूव एस इज ए सब रिंग ऑफ आर, दैट यहाँ पे जो हमारे पास जो रिंग की जो डेफिनेशन हुआ करती थी दोस्तों क्या हुआ करती थी, जिसमें आर प्लस ऑपरेशन में अबेलियन ग्रुप और मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन में सेमी ग्रुप एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लेफ्ट एंड राइट, दैट वो क्या हो जाता दोस्तों रिंग हो जाता था। दैट यहाँ पे हम क्या करें सब रिंग करें, दैट यहाँ पे इसके लिए भी वो के वो रूल्स लागू होंगे। दैट यहाँ पे एस वन रूल, एस वन का वन रूल, फर्स्ट रूल क्या कह रहा है दोस्तों एडिटिव एडिटिव आइडेंटिटी जीरो ऑफ एस, ठीक है, जीरो ऑफ आर जीरो ऑफ एस, मैंने अलग से कराया था दोस्तों इसका रूल, ठीक है। बाय फर्स्ट कंडीशन ये दे रही है दोस्तों यहाँ पे कि ए इज एप्सिलॉन एस बी इज एप्सिलॉन एस दैट ए माइनस बी इज ऑल्सो एप्सिलॉन एस दैट ए इज एप्सिलॉन एस, ए इज यहाँ पे ए बी इज एप्सिलॉन एस होगा, ठीक है। तो ए माइनस ए बाय फर्स्ट ए माइनस ए इज इक्वल टू यहाँ पे जीरो आ जाएगा, जीरो ऑल्सो एप्सिलॉन एस, ठीक है। ये क्या होगा दोस्तों एडिटिव आइडेंटिटी जीरो इज एप्सिलॉन एस जीरो ऑफ एस, ठीक है। फिर बाद में सेकेंड यहाँ पे दोस्तों क्या कह रहा है एस वन टू रूल एडिटिव इनवर्स, दैट बाय सेकेंड यहाँ पे एडिटिव इनवर्स में क्या कर रहा हूँ बाय सेकेंड यहाँ पे क्या कर रहा हूँ दोस्तों कि जीरो इज एप्सिलॉन एस, जीरो इज एप्सिलॉन एस, अभी हमने प्रूव किया था ए इज एप्सिलॉन एस दैट जीरो माइनस ए इज ऑल्सो एप्सिलॉन एस दैट माइनस ए इज ऑल्सो एप्सिलॉन एस, दैट यहाँ पे क्या हो एडिटिव इनवर्स हो गया दोस्तों, क्या हो गया एडिटिव इनवर्स हो गया। फिर बाद में नेक्स्ट यहाँ पे मैं कह रहा हूँ एस वन थ्री क्लोजर लो, और क्लोजर लो क्या कह रहा है दोस्तों हमें कि ए इज एप्सिलॉन एस एंड बी इज एप्सिलॉन एस दैट ए इज एप्सिलॉन एस और बी और माइनस का बी इज ऑल्सो एप्सिलॉन एस बाय एस वन टू रूल, जो अभी हमने कराया था दोस्तों यहाँ पे कि एस माइनस ए इज एप्सिलॉन एस दैट यहाँ पे मैं माइनस बी इज एप्सिलॉन एस बिकॉज ऑफ यहाँ पे बाय इक्वेशन या जो हमारे पास स्टेप नंबर एस वन टू है इसके हिसाब से, ठीक है दोस्तों। दैट ए माइनस और माइनस बी दैट यहाँ पे मैं किसका यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों फर्स्ट का, और यहाँ पे ए माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस इज एप्सिलॉन एस दैट यहाँ पे क्लोजर लॉ का भी हो रहा है। फिर बाद में यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों एसोसिएटिव लॉ, और एसोसिएटिव लॉ में क्या कहता है मैं दोस्तों एस इज सबसेट ऑफ आर, एस इज सबसेट ऑफ आर एंड पहले भी बताया था दोस्तों एंड सब सब रिंग एंड आर दैट यहाँ पे सबसेट ऑफ आर दैट फॉर एवरी ए बी सी एप्सिलॉन एस दैट ए प्लस प्लस ए प्लस
बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से ये क्या होगा, एसोसिएटिव लॉ का भी अनुपालना होगी, फिर बाद एस 15 कम्यूटेटिव लॉ और एस इज सबसेट ऑफ आर दैट एवरी ए बी एप्सिलॉन एस दैट ए बी ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ का भी अनुपालना होती है। फिर बाद में यहाँ पे मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन में कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे एस इज एस टू यानी एस इज ए सेमी ग्रुप, और सेमी ग्रुप के लिए क्या होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे क्लोजर लो और एसोसिएटिव लो दैट यहाँ पे मैं कर रहा हूँ दोस्तों एस टू वन रूल क्लोजर लो बाय सेकेंड, यहाँ पे एस ए इज एप्सिलॉन एस और बी ए इज एप्सिलॉन एस और बी इज एप्सिलॉन एस दैट ए डॉट बी इज ऑल्सो एप्सिलॉन एस होगा, ठीक है, बाय क्लोजर लो। फिर एस टू टू रूल एसोसिएटिव लो और एसोसिएटिव एस इज सबसेट ऑफ आर होता है दोस्तों, दैट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि ए बी सी इज एप्सिलॉन एस दैट यहाँ पे ए डॉट बी सी और इज इक्वल टू ए डॉट बी ब्रैकेट सी। इस प्रकार से यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, ये एसोसिएटिव लॉ को भी अनुपालना करेगा। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लेफ्ट एंड राइट दैट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी और ए डॉट सी, ठीक है, ए बी सी इज एप्सिलॉन एस और बी प्लस सी इज डॉट ए बी ए बी ए प्लस सी ए, ठीक है, ए बी सी इज एप्सिलॉन एस दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों बाई एस वन टू एस थ्री एस इज ए सब रिंग ऑफ आर, ठीक है, यानी कि एस वन टू एस थ्री तक यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों ये क्या है सब रिंग ऑफ आर है, हैंस द सफिशियंट कंडीशन। इस प्रकार से ये सफिशियंट कंडीशन भी प्रूफ होती है और ये पूरा का पूरा जो थ्योरम है दोस्तों प्रूफ होता है। इसका कॉरोलरी है कि यहाँ पे द नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन फॉर नॉन एम्प्टी सबसेट एस ऑफ ए रिंग आर टू बी ए सब रिंग ऑफ आर आर, ठीक है, यानी कि अंदर मैं कह रहा हूँ दोस्तों एस प्लस माइनस एस इनको मैं सॉल्व करता हूँ दोस्तों तो भी ऐसा है, या एस डॉट एस करूँगा तो भी ऐसा है, तो यहाँ पे इसका क्या दोस्तों कॉरोलरी है, ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन दे रखा एस इज द सब रिंग ऑफ आर, आर इज द रिंग, ठीक है, दैट यहाँ पे एस प्लस माइनस एस इज इक्वल टू एस और एस डॉट एस इज इक्वल टू एस, एस इज द सब रिंग ऑफ द रिंग, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से ये थ्योरम था। अब मैं यहाँ पे मैं कर रहा हूँ दोस्तों नेक्स्ट इनके क्वेश्चंस कर रहा हूँ, ठीक है, या फिर एक और थ्योरम है उसको भी मैं करने की कोशिश करूँगा, तो सबका ध्यान या बोर्ड पे होना चाहिए और इसका एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेते, फिर बाद में नेक्स्ट यहाँ पे जो नेक्स्ट थ्योरम है दोस्तों इंटरसेक्शन ऑफ टू सब रिंग इज ऑल्सो ए सब रिंग, ठीक है दोस्तों, इसको हम करने की कोशिश करेंगे। तो इसका जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लेते, और पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सीधे अकेडमी को शेयर और सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, और बेल आइकन क्लिक करें जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। अब देखते नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे थ्योरम 3.15, और 3.15 क्या कह रहा है, इंटरसेक्शन ऑफ टू सब रिंग ऑफ ए रिंग आर अगेंस्ट सब रिंग, यानी कि दो सब रिंग दे रही कि उसका इंटरसेक्शन भी क्या होता है दोस्तों सब रिंग होता है, ये हमें प्रूव करना है दैट लेट एस वन प्लस मल्टीप्लीकेशन और एस टू प्लस मल्टीप्लीकेशन बी टू सब रिंग ऑफ ए रिंग आर, ठीक है, ऑफ ए रिंग आर, यानी कि आर रिंग के दो एस वन एस टू क्या है दो सब रिंग है दोस्तों, टू प्रूफ इंटरसेक्शन ऑफ एस वन एस टू एंड एस वन इंटरसेक्शन एस टू ऑल्सो ए सब रिंग ऑफ आर इट विल बी सफिशियंट टू प्रूफ, इट विल बी सफिशियंट टू प्रूफ, यानी ये हमारे पास सफिशियंट रहेगा दोस्तों फॉर एवरी एज एप्सिलॉन आर, यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ एज एप्सिलॉन एस इंटरसेक्शन एस टू, यानी हमें क्या कह रहा हूँ कोई एलिमेंट है दोस्तों ए इज एप्सिलॉन ए एस वन इंटरसेक्शन एस टू एंड बी इज एप्सिलॉन एस वन इंटरसेक्शन एस टू दैट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों ए माइनस बी इज ऑल्सो एप्सिलॉन ए माइनस बी इज ऑल्सो एप्सिलॉन एस वन इंटरसेक्शन एस टू एंड ए डॉट बी इज ऑल्सो एप्सिलॉन एस वन इंटरसेक्शन एस टू बाई थ्योरम जो अभी हमने लास्ट की थी दोस्तों। यहाँ पे मैं इस प्रकार से कह सकता हूँ दैट नाउ यहाँ पे ए बी इज एप्सिलॉन यहाँ पे ए और बी इज ऑल्सो एप्सिलॉन एस वन इंटरसेक्शन एस टू दैन ए बी मैं कह सकता हूँ दोस्तों ए एंड बी एप्सिलॉन एस टू एस वन और ए बी इज एप्सिलॉन एस टू, इस प्रकार से होगा, यानी कि यदि मैं कह रहा हूँ दोस्तों ए बी एस वन इंटरसेक्शन एस टू से आता है दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि ए बी एस से भी आ सकता है ए बी एस टू से भी आ सकता है दैट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों एस वन इज ए सब रिंग ऑफ द रिंग आर, यदि यहाँ पे फर्स्ट ले रहा हूँ दोस्तों मैं एस वन इज ए सब रिंग ऑफ आर सब रिंग ऑफ द आर, ठीक है, दैट यहाँ पे ए डॉट बी ए नहीं यहाँ पे मेरा ए बी इज एप्सिलॉन एस वन एंड ए माइनस बी ऑल्सो एप्सिलॉन एस वन और ए डॉट बी इज ऑल्सो एप्सिलॉन एस वन, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ बाई थ्योरम जो अभी हमने पिछली बार किया था, ठीक है, कि यहाँ पे ए बी इज एप्सिलॉन एस वन है यदि
ए बी को दो एलिमेंट है दोस्तों, वो एस वन से बिलोंग करते हैं, दैट ए माइनस बी इज ऑल्सो एप्सिलॉन एस वन और ए डॉट बी इज ऑल्सो एप्सिलॉन एस वन होगा बाय थ्योरम। फिर बाद में एस टू इज ए सबरिंग ऑफ आर दैट ए बी इज एप्सिलॉन एस टू दैट ए माइनस बी, यहाँ पे ए बी इज एप्सिलॉन एस टू है, यहाँ पे एस वन से बिलोंग करता है, यहाँ एस टू से बिलोंग कर रहा है, ए माइनस बी इज ऑल्सो एप्सिलॉन एस टू एंड ए डॉट बी इज ऑल्सो एप्सिलॉन एस टू बाय थ्योरम। पिछली बार जो थ्योरम की थी उसके हिसाब से दैट यहाँ पे नाउ ए माइनस बी इज एप्सिलॉन एस वन ए माइनस बी ए माइनस बी एप्सिलॉन एस और ए माइनस बी इज एप्सिलॉन एस टू दैट यहाँ पे ए माइनस बी इज इंटरसेक्शन ऑफ एस वन और एस टू, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों ए डॉट बी इज एप्सिलॉन एस वन और ए डॉट बी इज ऑल्सो एप्सिलॉन एस टू दैट ए डॉट बी इज ऑल्सो एप्सिलॉन एस वन इंटरसेक्शन एस टू, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ इसलिए बाय इंप्लाइज दैट एस वन इंटरसेक्शन एस टू इज ए सबरिंग ऑफ रिंग, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से ये कह सकता हूँ मैं कि एस वन इंटरसेक्शन एस टू इज ए सबरिंग ऑफ रिंग और इसका कॉर्नरी देर का दोस्तों यहाँ पे आर्बिट्री इंटरसेक्शन ऑफ सबरिंग इज अगेन ए सबरिंग, यानी ऐसे कितने भी एलिमेंट लो दोस्तों यहाँ पे या कितने भी सबरिंग लो दोस्तों इन सब का इंटरसेक्शन क्या होगा इज अगेन सबरिंग होगा दोस्तों, ठीक है। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट इनके क्वेश्चंस कर रहा हूँ और क्वेश्चंस किस प्रकार से हैं यहाँ पे इसका एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेते फिर बाद में नेक्स्ट इसके क्वेश्चन भी करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे थे और हमारे पास आज के लिए थी क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे इफ आर इज इक्वल टू ए बी जीरो सी द मैट्रिक्स, ठीक है। ए बी सी जीरो इज एप्सिलॉन आई, आई इज द इंटीजर नंबर, बी ए रिंग ऑफ ऑल टू इज टू मल्टीपल बाई टू या टू मल्टीपल बाई टू मैट्रिक्स और द इंटीजर्स एंड इफ एस इज इक्वल टू ए बी जीरो सी सच दैट ए बी सी जीरो इज एप्सिलॉन आई देन प्रूव दैट एस इज ए सबरिंग ऑफ आर। दैट यहाँ पे दोस्तों दे रखा है द यहाँ पे रिंग दे रखा आर इज इक्वल टू एस आर और सब रिंग एस इस प्रकार से दे रखा, हमें प्रूफ करना है कि एस इज ए सब रिंग ऑफ आर, ठीक है। एस इज ए सब रिंग ऑफ आर, एस दे रखा यहाँ पे और सब रिंग रिंग दे रखा दोस्तों इस प्रकार से और हमें यह प्रूफ करना है कि एस इज ए सब रिंग ऑफ आर। दैट यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों आंसर आंसर में सबसे पहले रहा x और x इज इक्वल टू ए वन बी वन सी वन यानी ए वन बी वन सी वन और या y इज इक्वल टू ए टू बी टू सी टू बी एनी टू एलिमेंट ऑफ s1 वन वेर यहाँ पे ए बी सी ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू जीरो इज एप्सिलॉन आई, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे मैंने दोस्तों दो सेट लिए हैं, ठीक है, s1 के, ठीक है। किस प्रकार से x और y के ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू, ठीक है, इज ऑल्सो एप्सिलॉन आई, आई इज द इंटीजर नंबर। दैट यहाँ पे मैं सबसे पहले वी फाइंड दैट एस इज सबसेट ऑफ आर, ये हमें प्राप्त करना है और एक्स माइनस वाई यहाँ पे हमें पता दोस्तों एस इज सबसेट ऑफ आर होता है, ठीक है। दैट यहाँ पे एक्स माइनस वाई दैट ए माइनस ए वन माइनस ए टू बी वन माइनस बी टू यहाँ पे आपको आई थिंक इसका सब्ट्रैक्शन करना आता होगा दोस्तों इन मैट्रिक्स, ठीक है, या मैंने मैट्रिक्स में सब्ट्रैक्शन किया एक्स माइनस वाई दैट ये सारे के सारे दोस्तों ए वन माइनस ए टू बी वन माइनस बी टू सी वन माइनस सी टू इज एप्सिलॉन आई और यहाँ पे एक्स डॉट वाई दैट यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स इज जस्ट ऐसा होता है दोस्तों यहाँ पे ये भी आपको आई थिंक करना होता है। यहाँ पे देखो ए वन को, देखो ए वन को इस ऐसे करते इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, ठीक है दोस्तों कर लेना, ठीक है दोस्तों इसके प्रकार इस प्रकार से याद आएगा। फिर बाद में यहाँ पे ए वन ए टू इज एप्सिलॉन आई और ए वन बी टू प्लस बी वन सी टू इज एप्सिलॉन आई और सी वन सी टू इज एप्सिलॉन आई दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ एक्स माइनस वाई इज एप्सिलॉन एस और एक्स माइनस एक्स डॉट वाई इज एप्सिलॉन एस दैट इम्प्लाइज दैट एस इज ए सबरिंग ऑफ ठीक है ऑफ द रिंग आर, ठीक है, एंड बाय थ्योरम। इस प्रकार से हमारे पास अभी दो नियम जो हमने फर्स्ट थ्योरम की थ्री पर जो 30-14 की थी दोस्तों इस प्रकार से थी एक्स माइनस वाई और एक्स डॉट वाई इज एप्सिलॉन एस आता है दैट यहाँ पे एस इज ए सबरिंग ऑफ ठीक है आर, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से यहाँ पे हमें सारे क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन करने यही कंडीशन लगानी है यहाँ पे एक्स माइनस वाई इज एप्सिलॉन एप्सिलॉन एस एंड एक्स डॉट वाई इज एप्सिलॉन एस दैट यहाँ पे एस इज द सबरिंग ऑफ रिंग, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन है सो दैट द सेट एस इज इक्वल टू ए प्लस आयटा बी और ए बी इज एप्सिलॉन जेड एंड इज ए सबरिंग ऑफ द रिंग और रिंग दे रखिए दोस्तों इज द कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आयटा बी ए बी इज एप्सिलॉन सी ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है दोस्तों। यानी कि द सेट देर का ये और सी देर का हमें प्रूव करना है द एस इज सबसेट ऑफ सी एंड हम एक्स यहाँ पे एक्स वाई लेंगे इसमें भी, ठीक है। लेट एक्स इज इक्वल टू ए प्लस आयटा बी
इज एप्सिलॉन एस एंड वाई इज इक्वल ए वन प्लस आयटा बी वन और एंड वाई इज इक्वल ए टू प्लस आयटा बी टू, ठीक है, इज एप्सिलॉन एस दैट यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, वेर ए वन बी वन ए टू बी टू इज एप्सिलॉन जेड दैट यहाँ पे वी फाइंड दैट एस इज सबसेट ऑफ सी, ठीक है, फिर बाद में एक्स माइनस वाई ए वन माइनस ए टू प्लस आइटा बी वन माइनस बी टू इज एप्सिलॉन एस दैट यहाँ पे ए वन माइनस ए टू इज जेड एप्सिलॉन जेड बी वन माइनस बी टू इज एप्सिलॉन जेड दैट यहाँ पे मैं एक्स डॉट वाई कर रहा हूँ दोस्तों, इसका इसके साथ मल्टीपल कर इस प्रकार से इक्वेशन आ रहा है और इज एप्सिलॉन एस होगा दोस्तों यहाँ पे इज एप्सिलॉन जेड होगा, ठीक है, कि ए वन माइनस ए टू और बी वन माइनस बी टू इज एप्सिलॉन जेड ए वन बी टू प्लस बी वन ए टू इज एप्सिलॉन जेड दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ एक्स माइनस वाई इज एप्सिलॉन जेड एक्स डॉट वाई इज एप्सिलॉन जेड नहीं एक्स एस माइनस नहीं एक्स माइनस वाई इज एप्सिलॉन एस एंड एक्स डॉट वाई इज एप्सिलॉन एस दैट बाय इंप्लाइज दैट एस इज अ सबरिंग ऑफ सी, इस प्रकार से यहाँ पे दोस्तों ये प्रूफ होगा। दो क्वेश्चन और है उसको भी हम स्टेप बाई स्टेप कर लेते हैं, इसका एक बार जल्दी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं फिर बाद में नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे इनके सेकेंड क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे, तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेते हैं फिर बाद में नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमें इस प्रकार से कह रहा है कि देखो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है, इफ ए बी एन एलिमेंट ऑफ ए रिंग आर देन प्रूफ दैट द नॉर्मलाइजर ऑफ ए रिंग ऑफ ए इन आर एन ए इज इक्वल टू यहाँ पे आर इज एप्सिलॉन आर सच दैट ए आर इज इक्वल टू आर ए इज इज सब रिंग ऑफ आर, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमें ये एन ए नॉर्मलाइजर दे रखा है, ठीक है, एंड मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों यहाँ पे सेंट्रलाइजर एंड नॉर्मलाइजर सेंटर ऑफ द रिंग ये मैंने अच्छे से पिछले जो चैप्टर है यहाँ पे मैंने सब ग्रुप में इसको अच्छे से बताया था दोस्तों इसको, तो उस यूनिट में जाके उस वीडियो को जाके जरूर देखें दोस्तों, यहाँ पे अच्छे से इसको वापस समझ सकते हैं। दैट यहाँ पे हमें प्रूफ करना है दोस्तों कि इफ़ ए बी एन एलिमेंट ऑफ ए रिंग आर देन प्रूफ दैट द नॉर्मलाइजर ऑफ ए इन आर एन ए इज इक्वल टू यहाँ पे आर इज एप्सिलॉन आर सच दैट ए आर इज इक्वल टू आर ए, यानी कि जो दोस्तों यहाँ पे इस प्रकार से आर इज द नॉर्मलाइजर एंड मैं कह सकता आर इज द रिंग या ए इज द एलिमेंट ऑफ द ठीक है सब रिंग दैट यहाँ पे मैं ए आर इज इक्वल टू आर ए कम्यूटेटिव लॉ को अनुपालना होती है यहाँ पे नॉर्मलाइजर में दैट यहाँ पे इस प्रकार से ये दोस्तों एन ए होता है, हमें प्रूफ करना है दोस्तों कि एन ए इज द सब रिंग ऑफ द आर, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है, आर इज द सब रिंग ऑफ द आर, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से दैट यहाँ पे मैं कह रहा हूँ आंसर ए इज इक्वल टू ई ए एम्प्लाइज दैट, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि इज एप्सिलॉन एन ए इज नॉट या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों नॉन एम्प्टी सबसेट, ठीक है, नॉन एम्प्टी दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ए इज इक्वल टू ई ए यानी कि जो ई इज द आइडेंटिटी ऑफ द रिंग, ठीक है, या फिर मैं कह सकता हूँ कि ये कम्यूटेटिव लॉ का अनुपालना करेगा ए इज द एलिमेंट दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि जो एन ए जो नॉर्मलाइजर सेट दे रखा दोस्तों वो नॉन एम्प्टी सबसेट है दैट, तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि एक्स वाई इज एप्सिलॉन एन ए देन यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू एक्स ए इक्वेशन फर्स्ट दे दिए इसको मैं ए वाई इज इक्वल टू वाई ए क्योंकि ये कम्यूटेटिव लॉ का अनुपालना करता है दोस्तों दैट यहाँ अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन में भी हमें दे रखा है डेफिनेशन भी यही है इसकी नॉर्मलाइजर, ठीक है, नाउ ए एक्स माइनस वाई दैट यहाँ पे हम क्या करते हैं दोस्तों एक्स माइनस वाई और एक्स डॉट वाई करते हैं दैट यहाँ पे एक्स माइनस वाई और ए को बाहर लिया तो मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ दोस्तों ए को तो बाहर ये एक्स प्लस यहाँ पे माइनस वाई बाहर ले लिया दैट यहाँ पे ए एक्स प्लस यहाँ पे इसको अंदर मल्टीपल ए माइनस वाई दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ बाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ए एक्स माइनस ए वाई दैट एक्स वाई इज एप्सिलॉन एन ए, ठीक है, दैट यहाँ पे ए एक्स की जगह एक्स ए रख दिया ए वाई की जगह वाई ए बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं एक्स ए एक्स ए प्लस यहाँ पे माइनस वाई ये प्लस ले लिया वाई, ठीक है, दैट एक्स ए, ठीक है, यहाँ पे मैं वाई क्या ले रहा हूँ ए क्या ले रहा हूँ दोस्तों कॉमन ले रहा हूँ बाई राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दैट एक्स माइनस वाई इज प्लस माइनस माई प्लस माइनस माइनस दैट यहाँ पे ए आ जाएगा दैट ए एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ए दैट यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट आर इक्वल दैट एक्स माइनस वाई इज एप्सिलॉन एन ए, ठीक है, यानी ये फर्स्ट और एक्स माइनस वाई प्रूफ हो गया दोस्तों, सेकेंड यहाँ पे ए एक्स वाई ए एक्स डॉट वाई इज इक्वल टू ए
इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, ए एक्स वाई बाई एसोसिएटिव लॉ से कह सकता हूँ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से कह सकता हूँ, ठीक है दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। दैट यहाँ पे ए एक्स की जगह एक्स ए रखा बाई इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, और फिर बाद में यहाँ पे दोस्तों यानी ए एक्स की जगह मैंने ए एक्स रखा, ठीक, एक्स वाई एक्स ए रखा, ठीक है दोस्तों, बाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इक्वेशन फर्स्ट। दैट यहाँ पे मैं ए और वाई को पास पास ले लिया, ए वाई की जगह वाई ए रखा दोस्तों बाई सेकेंड। दैट यहाँ पे मैं इसको इसके साथ लिख दिया एक्स वाई और ए वाई, ठीक है, या ए बार लिख दिया। दैट यहाँ पे ए एक्स वाई एक्स वाई ए, दैट यहाँ पे एक्स वाई इज एप्सिलॉन एन ए, दैट दस फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी सी दैट एक्स वाई इज एप्सिलॉन एन, दैट एक्स माइनस वाई इज एप्सिलॉन एन ए, एंड एक्स डॉट वाई इज ऑल्सो एप्सिलॉन एन ए, हेंस एन ए आर इज ए सबरिंग ऑफ आर। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट करेंगे हम कल दोस्तों सब फील्ड, सब प्राइम नंबर वगैरह ऐसा कुछ करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज के सेशन में किसी भी प्रकार का डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है दोस्तों तो प्लीज़ से अकेडमी को शेयर और सब्सक्राइब करें, पहले आइकन क्लिक करें जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। एंड अब क्लास है दोस्तों रेगुलर कंटिन्यू चलेगी दोस्तों, काफ़ी टाइम से हमारी छुट्टी रही थी, वैसे मैंने दो वीडियो से कल मैंने एक साथ अपलोड कर लिए थे दोस्तों, ठीक है। तो जल्दी हम आईआईटी जेएम की भी तैयारी स्टार्ट करें दोस्तों, ठीक है, तो अपने दोस्तों को बताएं अभी क्या लॉकडाउन चल रहा है, और लॉकडाउन में हम आईआईटी जेएम्स कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। वैसे तो हम कंपटीशन का है तो बहुत सारा कंपटीशन है फॉर जैसे सिविल सर्विसेज, या फिर मैं कह सकता हूँ जैसे पुलिस पटवारी या फिर रेलवे, ये बहुत सारे वैकेंसीज आते हैं, बट लेकिन हम यहाँ पे हमारा जो मेन मकसद होता है दोस्तों वो हम पीछे हट जाते हैं। जैसे कि हम पर्पज़ क्या रहता है बीएससी करने का, वो बी या साइंस लेने का, बीएससी मैथमेटिक्स लेने का, वो हमें ढूंढना चाहिए, बिकॉज ऑफ यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा स्कोप है दोस्तों, ना कि यहाँ पे। वैसे यहाँ पे जैसे बहुत सारी वैकेंसीज आती है उसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए, यहीं कि साइंस के स्टूडेंट जाते हैं, बट लेकिन यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों बीएससी के बाद भी हमारे साइंस में या मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री में स्कोप रहते हैं, उसको भी आप थोड़ा डिफाइंड करो तो अच्छा रहेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन बहुत कम है दोस्तों, कंपटीशन बहुत कम है, बिकॉज ऑफ अगर आप पुलिस का फॉर्म भरते हो या कांस्टेबल, या फिर मैं कह सकता हूँ रेलवे या ग्राम सेवक पटवारी, जो भी वैकेंसीज आती है स्टेट या फिर स्टेट या सेंट्रल लेवल की, उसमें 5,000 पोस्ट के लिए 50 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, या 2 करोड़ फॉर्म भरे जाते हैं, 4 करोड़ फॉर्म भरे जाते हैं, बट लेकिन यहाँ पे अगर मैं मैथमेटिक्स में बात करना चाहता हूँ या फिजिक्स केमिस्ट्री में बात करना चाहता हूँ, तो अगर 5,000 वैकेंसी आती है दोस्तों यहाँ पे 50,000 फॉर्म भरे जाते हैं ओनली, ठीक है। तो यहाँ पे कंपटीशन कम है, यहाँ पे इसको ढूंढने की कोशिश करें दोस्तों, ठीक है। वैसे वो भी सेक्टर अच्छा ही है, लेकिन कंपटीशन बहुत ज़्यादा, इतना ही डिफरेंस है दोस्तों, ठीक है, वैसे बहुत सारा डिफरेंस है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। और आज का संदेश इस प्रकार से है।